सो हे गाइस, दिस इज सूरज शर्मा एंड यू आर वॉचिंग नीट रूट्स। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा लोडिंग इन एंड्रॉयड। तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइप की हमारे पास लोडिंग्स होती है तो वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो कुछ हमारे पास लोडिंग आती है इनबिल्ट और कुछ होते हैं हमारे पास कस्टम लोडिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट टाइप के एनिमेटेड जो हमारे लोडिंग स्क्रीन होती है वो उसको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। तो यहाँ पे चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि लोडिंग होता क्या है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोडिंग इन एंड्रॉइड, इतना आपको सर्च करना है, और लोडिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है, राइट। तो आपने लोडिंग यहाँ पे सर्च किया तो आपको कुछ इस टाइप की लोडिंग्स दिखती होगी। जब आप कुछ करते होंगे या फिर आपका डेटा लोड होता होगा तो आपको कुछ इस टाइप की लोडिंग आपको यहाँ पे शो होती होगी। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आपको मान के चलो इस टाइप की कुछ लोडिंग्स आपको यहाँ पे यूज़ करनी है तो वो आप यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू हमें ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है, तो अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है स्पाइन किट लोडिंग गिट हब, इतना आपको सर्च करना है और आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पाइन किट वाली आपको लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो ये जो लोडिंग्स की स्क्रीन है आपको इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी करनी है आपकी सबसे पहले ये डिपेंडेंसी। तो आप, मैंने इसको कॉपी कर लिया और देखो यहाँ पे कितने टाइप के हमारे पास लोडिंग स्क्रीन से ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे चलने के बाद एक प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे चलता हूँ और एप्लीकेशन का नाम लग दूंगा कस्टम लोडिंग, और इसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका लैंग्वेज हो, और इसके बाद आप इसको फिनिश कर देना। यहाँ पे हम कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं तो कॉटलिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब बिल्ड को हम होने देते हैं और देखते हैं कि कोई एरर हमारे पास यहाँ पे आ ना जाए। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है, अब हम इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए परफेक्टली रेडी है। तो जो हमने यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी की थी, ये डिपेंडेंसी इसको हमें यहाँ पे कहाँ पे डालना है, तो आप इसको सबसे पहले कॉपी कर लेना और ग्रेडल वाला स्क्रिप्ट को आपको इसको ओपन करना है और मॉड्यूल और ऐप जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और पेस्ट करने के बाद आपके पास आएगा एरर। तो इसको एरर को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको लगाना है एक ब्रैकेट, है ना, और इसके बाद आपको लगाना है एक डबल कोट। तो डबल कोट लगाओगे तो आपके यहाँ पे भी डबल कोट आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास डबल कोट आ जाएगा, और एंड में आने के बाद इस ब्रैकेट को आपको कर देना है क्लोज। तो जैसा यहाँ पे है वैसा ही हमारे पास यहाँ भी आ चुका है और एरर हमारा गायब हो चुका है। आप इसको सिंक करना है और सिंक करते समय आपको बिल्ड को ओपन करके देख लेना कि कोई एरर ना आ जाए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आया, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक है या फिर हमने इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डालना भूल गए। तो इसको आपको यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ और डालनी पड़ती है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे डालूँगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो चीज़ क्या आपको यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो आपको क्या यूज़ करना है। आपको बेसिकली यूज़ क्या करना है, maven.io का आपको एक फाइल यूज़ करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं वापस से ऑन कर लेता हूँ और मैं इसके बाद यहाँ पे ओपन करूँगा ये जो है setting.gradle.kts वाला फोल्डर, इसको आपको इसको ओपन करना है। और जो डिपेंडेंसी रेजुलेशन मैनेजमेंट है इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है मैविन, और मैविन के बाद आपको लगाना है कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे URL इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पे URI, और इसके अंदर आपको अपना पाथ डालना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे डबल कॉलन और यहाँ पे आपको लिखना है HTTPS और यहाँ पे आपको ऑप्शन डालना है JITPACK और .io आपको यहाँ पे यूज़ करना है, और इसके बाद आप सिंक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है। देखो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे दो फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना होता है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपको इसको लिखना है। तो देखना मैंने ये किया, अब मैं इसको यूज़ करने के लिए परफेक्टली रेडी हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वार्निंग यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इन दोनों फाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, राइट। अब क्या करना है, आपको जहाँ पे भी वो चीज़ यूज़ करनी है वहाँ पे आपको
यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं गिटहब पे लाइब्रेरी पे चलता हूँ और आपको यहाँ से सिंपली XML के कोड में आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया या फिर आप ऐसे भी करके इसको कॉपी कर सकते हो। तो मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको स्प्लिट में कोड में किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, वो किस चीज़ का एरर है, कंस्ट्रेंट का एरर है। तो मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट करवा लेता हूँ जिससे हमारा ये एरर सॉल्व हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। तो ये एरर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपको पूछ रहा है बस आपको इसका कलर कौन सा डालना है, राइट। तो हम यहाँ से कलर यूज़ कर लेंगे, कस्टम कलर डाल लेते हैं #FFFF, और आप चाहो तो खुद का भी कलर यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपने कलर के फोल्डर में डाल रखा होगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस टाइप का कुछ कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब किसकी आईडी मिल रही है यहाँ पे, स्पाइन किट, आप चाहो तो दूसरा आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपके बैकएंड के कोड में जाना है और सबसे पहले अब यहाँ पे उससे पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पे मिलेगी, स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में हमें पता लगाना है कि आप कौन सा स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। बैकग्राउंड तो हमने डाल दिया लेकिन आपको स्टाइल भी यहाँ पे डालनी होती है। तो मैं इसमें कुछ इस टाइप के स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, एक बार ये वाला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और वापस यहाँ पे चलता हूँ मैं, और स्टाइल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे लार्ज सर्कल, राइट। तो आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करते आपके पास ओके और ऐसा नहीं आ रहा है, कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप इसको यूज़ करने के लिए रेडी हो, राइट। तो अब क्या करते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं पता लगाना चाहते हो तो आपको इसको रिमूव करना है और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो जितने भी आपके पास यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्मॉल लार्ज जो भी आपको यहाँ पे है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो स्मॉल है मेरे पास तो मैं लार्ज वाला थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो लार्ज वाला हमारे पास आ चुका है और कस्टम साइज़ भी आप यहाँ से दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो main.kt में चलते हैं और इसके बाद मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़, और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस बार को आपको इंस्टॉल करना है, राइट। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, ये हमारा जावा का कोड है, आप खुद भी कस्टम चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया, राइट। और ये कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है इसको कॉटलिन फाइल को जावा में, तो सॉरी जावा फाइल को कॉटलिन में। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एरर आ रहा है इसको आपको हटाने के लिए क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को आपको इसको रिमूव करना है और ये आपका एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहले इसको फाइंड करना है कि हमारा कौन सा है प्रोग्रेस बार, राइट। तो प्रोग्रेस बार का हमारा आईडी क्या है, स्पाइन किट के नाम से। तो हम यहाँ पे आईडी डाल देंगे r.id. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा स्पाइन किट, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसको बता रखा है इसने कैसा आपका ये है, तो हम ऐसा कैसा रहने देंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इसको रन करूँगा, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रन करना है। रन किया हमने एप्लीकेशन को और बिल्ड को ओपन करके देख लेते हैं कि कोई एरर भी ना आ जाए। तो मैंने ओपन किया, अब देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास वो वाला नहीं आ रहा है जो हम चाहते थे, यहाँ पे हमारे पास अलग टाइप का आ रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे है, राइट। तो ये बाउंस वाला है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल का नेम चेंज करना है, लेकिन मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम वही रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको डबल बाउंस की जगह मुझे कौन सा यूज़ करना है, वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करना है मुझे वंडरिंग क्यूब्स, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ऐसा वाला क्यूब आ जाएगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा वंडरिंग क्यूब्स, राइट। और प्रोग्रेस बार इसके बाद आपको ऐसे कैसे रहने देना है, और आपको इसको वेरिएबल का नेम जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर लेना, ओके। अब मैंने इसको रन किया, अब देख लेते कि हमारा वंडरिंग क्यूब्स वाला हमारे पास आता है या नहीं। तो ये आ गया आपको लोडिंग, लेकिन मेक श्योर कि आपको इस चीज़ के लिए लोडिंग आपको यूज़ करना आता हो। तो तीन लाइन के कोड से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अपने कस्टम और डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन को यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कस्टम टाइप के रे लोडिंग को आप कैसे यहाँ पे यूज़ करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।